बहुत ही भयानक सड़क हादसा हो जाता है। करनाल के असंध रोड पर एक बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसके बाद आप देख सकते हैं सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर एक की बताया जा रहा है डेथ हो चुकी है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बहुत ही जोरदार तरीके से टक्कर हुई, एक नौजवान युवक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है और आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भयानक रही होगी, टक्कर कितनी भयानक रही होगी। मोटरसाइकिल की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, बहुत ही भयानक सड़क हादसा होता है। असन से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एक नौजवान युवक की दुखद मौत हो जाती है और एक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के असन में, अभी अभी एक बहुत ही बड़ा सड़क हादसा हो जाता है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एक ब्रेजा गाड़ी और एक बाइक की बड़े जोरदार तरीके से टक्कर हो जाती है, बाइक के परखच्चे उड़ जाते हैं, आप देख सकते हैं बाइक कहां पर जाकर गिरती है, अगला टायर उसका बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और अगला टायर भी बुरी तरह से चकनाचूर हालत में यहां पर पड़ा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जानकारी ये मिली है कि बाइक सवार दो लोग थे जो जानकारी मिली है और एक की मौत हो चुकी है जबकि दूसरा व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा रही होगी, हालांकि गलती किसकी है, बाइक वाले की गलती है गाड़ी वाले की गलती है कुछ कहा नहीं जा सकता। गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं HR75B9199 गाड़ी का नंबर है। ये लाइव तस्वीरें इस समय असन से करनाल की तरफ आते हुए देख सकते हैं, जहां पर बहुत ही भयानक टक्कर हुई है, बहुत ही भयानक टक्कर हुई है। ब्रेजा गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मारी है और बाइक के भी परखच्चे बुरी तरह से उड़ जाते हैं और गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भयानक रही होगी, टक्कर कितनी भयानक रही होगी। SHO से हमारी फोन पर बात हुई है और उन्होंने बताया कि एक नौजवान युवक की मौत हो जाती है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सूचना मिलने के बाद आसपास के जो ढाबा चलाने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन टक्कर बहुत ही भयानक हुई है, टक्कर बहुत ही भयानक हुई है। ये लाइव तस्वीर है इस समय असन से, आप देख सकते हैं हम आपको बताना चाहेंगे, असन से करनाल की तरफ ये ब्रेजा गाड़ी आ रही थी, आप देख सकते हैं गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। लाइव तस्वीरें इस समय असन से देख सकते हैं, असन स्टेट हाईवे से देख सकते हैं, जहां पर बहुत ही भयानक टक्कर हुई है, बहुत ही भयानक टक्कर हुई है, बाइक सवार दो लोगों से टक्कर हुई है। बाइक की अगर हालत में आपको दिखाना चाहूंगा, बाइक आप देख सकते हैं वहां पर इस समय आपको साइड में टूटी हुई हालत में पड़ी हुई नजर आ रही होगी, अगला टायर बिल्कुल अलग हो चुका है, बुरी तरह से चकनाचूर हालत में बाइक यहां पर खड़ी है और गाड़ी आप देख सकते हैं बीच रोड पर हालांकि खड़ी है। जानकारी मिली है कि डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी, घायल को हॉस्पिटल में ले जाया गया है, वहीं एक की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है जबकि एक की मौत हो चुकी है। यहाँ भी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जूते आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, चप्पल यहाँ पर मौजूद है और गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। दोनों युवकों की चप्पलें, नीले रंग की चप्पल और ग्रे रंग के दोनों के जूते यहाँ पर मौजूद है। आप टक्कर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक टक्कर रही होगी, कितनी भयानक टक्कर रही होगी। करनाल के असंध में यह सड़क हादसा हुआ है, करनाल के असंध में यह सड़क हादसा हुआ है जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, बहुत ही भयानक टक्कर रही होगी, शीशा आगे से बुरा डैमेज हो जाता है। आसपास के जो लोग हैं वो हालांकि जानकारी मिलने के बाद पहुंचे हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली, कैसे एक्सीडेंट हुआ? नहीं सर, हमारे पास तो असन से फोन आया था भाई एक एक्सीडेंट हो गया, तो हम तो इसलिए आए थे भाई कोई एम्बुलेंस वगैरह का व्यवस्था करनी पड़े, तो हम आए तो एम्बुलेंस हमारे आने से पहले आके मरीजों को उठा के लेके गई। एक बाइक की और एक गाड़ी की डेथ हुई है इसमें। हाँ, बाइक सवार की डेथ बता रहे हैं होगी इसमें, बाकी एक गंभीर रूप से घायल है, उसको करनाल रेफर कर दिया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ, करनाल के असंध में समय मौजूद है। गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भयानक रही होगी। जानकारी यही मिली है कि डायल 112 की टीम जो है मौके पर पहुंची थी और उसके बाद जो है घायल को हॉस्पिटल ले जाया गया और डेड बॉडी को भी जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हालांकि अभी तक पहचान हुई या नहीं हुई ये कहा नहीं जा सकता। पुलिस की जो टीम यहां पर मौके पर पहुंची थी वो घायल को लेकर नजदीकी जो सरकारी हॉस्पिटल है संघ का वहां पर गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। कमल मिंडा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज करनाल। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ, सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच जाती है। बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हालत में यहां पर पड़ी है, आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक टक्कर रही होगी, कितनी भयानक टक्कर रही होगी, बहुत ही बुरी हालत में बाइक यहां पर है। ब्रेजा गाड़ी से टक्कर हो जाती है, सूचना मिलते ही असन थाना से पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जहां से अधिकारी संजय जी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी लगी है, कहां पर एक्सीडेंट हुआ और कैसे हुआ? सर अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि उपलाना बस अड्डे के पास एक बाइक और एक ब्रेजा गाड़ी है एक्सीडेंट हो गया और जिसमें दो बंदे इंजर्ड है, तो अभी पहुंचे हैं और अभी सर मौका मुलाजा कर रहे हैं।
जो भी कार डेट बता रहे हैं। हाँ सर, एक ही डेट बता रहे हैं। एक घायल हुआ है, कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? ये सर उपलाना बस अड्डे के पास। और किस किस से टक्कर हुई? ये सर बाइक और ब्रेजा गाड़ी। तो पता चला कहाँ के हैं? अभी सर देख रहे हैं कहाँ का नंबर है। गाड़ी वाला भी घायल हुआ है, गाड़ी छोड़ के चला गया? वो तो सर फरार है, गाड़ी छोड़ के फरार, गाड़ी मौके पे। सर बाइक पे दो ही थे सर? हाँ बाइक पे दो बता रहे हैं जी। गलती का नहीं पता चला किसकी है? अभी तो सर जाँच का विषय देख रहे। स्पीड रही होगी ज्यादा? हाँ बिल्कुल स्पीड रही होगी, लेकिन आप देख सकते हैं पुलिस की टीम इस समय मौके पर पहुंच जाती है। मोटरसाइकिल की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भयानक रही होगी, टक्कर कितनी भयानक रही होगी, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप असन से देख सकते हैं। असन रोड पर इस समय मौजूद है, जहां पर पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो ब्रेजा गाड़ी है वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंची थी, और उसके बाद घायलों को आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में ले जाया गया। करनाल के असंध रोड पर एक बहुत ही भयानक सड़क हादसा हो जाता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर एक की बताया जा रहा है डेथ हो चुकी है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मौके पर है, गाड़ी आप देख सकते हैं बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, ब्रेजा गाड़ी की एक बाइक से टक्कर हुई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस मौके पर मौजूद है। असंध रोड पर यह भयानक सड़क हादसा हुआ है, और इस समय प्रवीण जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आप पहले मौके पर पहुंचे थे, कैसे हादसा हुआ था, क्या जानकारी मिली? हमारे पास केस आया था, जो दो व्यक्ति इंजर्ड हैं, जो हम अपनी ERV में बैठा के ले गए हैं, जो शायद एक को सीरियस है बहुत ज़्यादा, एक को काफ़ी चोटें आई हैं, दोनों सीरियस हैं बहुत ज़्यादा। डेथ भी होगी बता रहे हैं सर? ये तो वो डॉक्टर ही बताएंगे, और वो सीरियस थे दोनों जी। और कैसे किसकी टक्कर हुई है? ये एक ब्रेजा है गाड़ी और एक मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर हुई। और ब्रेजा वाला कहाँ गया? ब्रेजा वाला मौके में पे नहीं मिला, मौके के साथ भाग गया वो। ब्रेजा वाला मौके पर नहीं मिला आप देख सकते हैं, लेकिन पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है, और अब क्रेन की मदद से गाड़ी को आप देख सकते हैं यहाँ से साइड में किया जाएगा, क्योंकि मेन रोड पर यह गाड़ी खड़ी है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती है, डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची हुई है, और पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप असन से देख सकते हैं। असन से समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं एक ठरी गांव का बता रहे हैं और एक अलावला गांव का रहने वाला जो बताया जा रहा है। 16 17 18 साल की उनकी उम्र है, काफी कम उम्र के वे दोनों नौजवान युवक थे। बाइक को अब बाहर निकाला जा रहा है, बाइक को इस समय आप देख सकते हैं पुलिस अपने कब्जे में लेकर थाने में लेकर जा रही है, और एक्सीडेंट बहुत ही भयानक हुआ। करनाल के असंध रोड पर आप देख सकते हैं बहुत ही भयानक टक्कर हो जाती है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बहुत ही भयानक सड़क हादसा हो जाता है, ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर बहुत ही जोरदार तरीके से टक्कर हुई, एक नौजवान युवक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है, और आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भयानक रही होगी। मोटरसाइकिल की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, बहुत ही भयानक सड़क हादसा होता है। असन से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एक नौजवान युवक की दुखद मौत हो जाती है और एक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, असन से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक ब्रेजा गाड़ी के बीच में काफी जोरदार तरीके से टक्कर हुई है, जिसमें एक नौजवान युवक की दुखद मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से अभी भी घायल है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, उसको इलाज के लिए असंध के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, आप देख सकते हैं एक बाइक की बड़े जोरदार तरीके से टक्कर हो गई है, आप देख सकते हैं। सूचना मिलते ही उनके गांव के ठरी गांव से जो उनके भाई हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। एक नौजवान युवक की दुखद मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, असन से समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें समय आप असन से देख रहे थे।